खुशियां दा आया गेंदा पौगड़ियो अनोखी शादी देखने को मिली जिसमें शादी के बंधन में बंधने से पहले लड़की की घुड़चढ़ी हुई। आमतौर पर शादी में लड़के की घुड़चढ़ी देखने को मिलती है, लेकिन समाज को भ्रूण हत्या बंद करने व लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करने का संदेश देने के लिए दुल्हन के माता पिता ने अपनी बेटी की घुड़चढ़ी करवाने की सोची। बता दें कि लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने हमेशा से ही अपनी बेटी को बेटों से ज्यादा प्यार दिया है और उनके परिवार और बिरादरी में यह रस्म पहली बार हुई है। उनका कहना है कि आज के समय में लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार मिलने चाहिए। आज मेरी घुड़चढ़ी है जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये दिन शायद ही लड़कियों की लाइफ में कभी आता होगा। मोस्टली लड़कों की ही घुड़चढ़ी की जाती है, उन्हीं का ही सहरा बांधा जाता है, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बट मेरे घर में शायद मेरे मम्मी पापा ने मुझे लड़कों की तरह समझा गया है। जब मुझे लॉ करनी थी तो मेरे रिलेटिव्स ने सब ने मुझे मना कर दिया, सब ने ये कह दिया कि ये लड़की लॉ कर रही है, इसके लिए रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मेरे पापा थे सिर्फ जिन्होंने कहा था मैं करवाऊँगा इसको लॉ, मैं एडवोकेट बनाऊँगा, जाएगी ये कोर्ट में, जज भी बनेगी, सब कुछ करेगी। और इवन एक किस्सा है, जब मेरे पास मैं एक्टिवा पे जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो मेरा एक्टिवा ख़राब हो गया था। तो मैंने घर आके बताया पापा मेरा ऐसे ऐसे एक्टिवा ख़राब हो गया। पापा ने 2 घंटे लगाए, पापा कहते तो यहीं बैठ, 2 घंटे में आया, 2 घंटे में नीचे आई, देखा मैंने न्यू एक्टिवा नीचे खड़ा है। तो मतलब कभी भी मेरे को ये चीज़ फील नहीं होने थी कि मतलब भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है या मुझे दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। समाज का ये है कि समाज सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलता है, प्रैक्टिकली बहुत कम आगे आते हैं। जो मतलब हम कहते हैं कि हमें बोलना कम चाहिए, करना ज़्यादा चाहिए, तो शायद मेरे पापा ने करा ज़्यादा है, बोला कम है। तो आज भी वही हो रहा है कि आज ये घुड़चढ़ी सबके लिए सरप्राइज थी, ये डिपिक्ट करने के लिए कि देखो मेरी बेटी भी मेरे बेटे के जैसे है। माता पिता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सब यही मतलब मैसेज दूंगी कि सब अच्छे, मतलब सब सबके लिए एक ही है, सब बेटी के लिए जाना सब नहीं है, बट फिर भी उनको प्रायोरिटी दो, उनको थोड़ा सा मतलब अगर आप एजुकेट थोड़ा सा उनको एजुकेट कर दो तो शायद वो भी आपका नाम रोशन कर सकती है। बेटियों के लिए यही है, देखो कि बेटी को भी थोड़ा पेरेंट्स का समझना चाहिए, पेरेंट्स की भी एक इच्छा होती है कि वो अपने हाथों से उनका कन्यादान करे, अपनी समझ से उनका रिश्ता करे। आजकल का क्या है कि अपना घूमने फिरे गए, हो गया कर, चलो जी आ गए, बट नहीं, माँ बाप की भी सुनो, उनका भी देखो, उनकी मर्जी से शादी करो। वहीं अपने माता पिता से घुड़चढ़ी का सरप्राइज मिलने के बाद लड़की प्रिया काफी खुश नजर आई। प्रिया ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें लड़की की घुड़चढ़ी हुई हो। प्रिया ने कहा कि उन्होंने अपने प्रिया ने अपने माता पिता की तारीफ करते हुए कहा कि जब मैं लॉ कर रही थी तो रिश्तेदारों ने परिवार से कहा था कि लड़की को लॉ मत करवाओ क्योंकि इसका रिश्ता नहीं आएगा। तब मेरे माता पिता ने समाज और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना मुझे पढ़ाया और लिखाया। इसके साथ साथ प्रिया ने कहा कि वो सभी अभिभावकों से यह कहती हैं कि लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान देना चाहिए। ऐसा है, जो मेरी बेटी है, जब इसका जिस दिन से बर्थ हुआ है तो मैंने इसको बेटी की तरह ही रखा है, तो बेटी को मैं ज़्यादा वो करता हूँ, तो मगर फ़र्क कोई नहीं है बेटी और बेटे में। मगर आजकल क्या करते हैं, जो लड़के की घुड़चढ़ी होती है, ये आपको भी पता होगा, तो मगर मैंने बेटी की घुड़चढ़ी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? समाज के अंदर हमारे एक मैसेज आए कि जो भ्रूण हत्या हो रही है हमारी, जब लड़कियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। ये मैं सभी समाज, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के हैं या बाकी लोग हैं, लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए, ये मैसेज मेरा सब कहीं जाना चाहिए। तो घुड़चढ़ी मैंने इसीलिए की है, उस बच्ची को मैंने प्यार जो किया है अपने लड़कों की तरह रखा है और वो पूरी उम्र लड़कों की तरह ही उसका मान सम्मान इस घर में रहेगा। तो आपके परिवार या फिर बिरादरी में पहले कभी ऐसा नहीं? हमारे ऐसा है, मैंने कभी नहीं देखा। एक दफ़ा हमारे जैसे मेरे राजस्थान में मेरे साधु जी हैं बड़े, उनकी बेटी का हुआ था, तो मतलब के उनका भी यही हमने मैसेज सबको दिया था भी लड़कियों का मान सम्मान जरूरी है। देखो हम लोग क्या करते हैं भी लड़की आगे नहीं बढ़ती, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ भी लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, अगर उसकी माँ बाप सपोर्ट करें तो लड़की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है। तो ये विचार कहाँ से आया?
विचार मेरा शुरू से ही है जी, मेरा शुरू से ही विचार रहा है। जिस दिन से पैदा हुई थी मेरे घर में कुछ नहीं था, जिस दिन से इसने जन्म लिया मेरा ख्याल है मेरे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं आई। तो लोगों ने मतलब के जो पुराने बुजुर्ग थे वो बड़ा मजाक उड़ाते थे भी, मतलब के जी लड़की के टाइम में जो लाडू मांड रहा है, तो मगर मेरे को ये था, हमारी दोनों की इच्छा यही थी भी मेरे घर में लड़की ही आए। अब लड़का मेरा था पहले, मगर मैं जो मेरी बहू रानी है जो उसको भी मैं मतलब कि अपनी बेटी की तरह ही रखता हूँ और उसको बेटी की तरह ही रखूँगा मैं।